Shankum, namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel. And this is another video on the working ads. So working ad को एक हम दूसरे पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेते हैं. दो प्रेजेंटेशंस थी, एक मुझे सुनस ने भेजी थी कि मैं क्योंकि मैंने रिसेंटली एक सीरीज भी लॉन्च की है जिसके मुताबिक कि अगर आपको किसी भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड किसी टॉपिक से डिफिकल्टी हो रही है सो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, या वो प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आ रही तो वो मुझसे आप शेयर करें. मैं आपको अकाउंट डिटेल्स वगैरह ईमेल वगैरह दे देता हूँ. एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना टाइम निकाल के उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ तो वो ज्यादा बेहतर है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द वॉकिंग एड्स अगेन. मेरी एक वीडियो ऑलरेडी भी बनी हुई है वॉकिंग एड्स के ऊपर. वैसे कुछ टर्म्स है वॉकिंग एड्स से रिलेटेड, पहले उनको हम पढ़ लेते हैं. जस्ट लाइक द एम्बुलेशन. एम्बुलेशन सिंपली वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंपली. वैसे एम्बुलेशन को समटाइम वॉकिंग से भी किया जाता है, लेकिन वॉकिंग और एम्बुलेशन में मैं इतना सा फर्क बता दूं कि एम्बुलेशन वर्ड अमूमन पेशेंट्स के लिए यूज होता है. व्हेनेवर पेशेंट अ वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट वर्ड इज यूज्ड. और वॉकिंग नॉर्मली एक आम इंसान के लिए वर्ड यूज होता है. दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, गेट. यही जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो एक पैटर्न चलने का एक तरीका होता है बेसिकली, राइट, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग. तो जो चलने का पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, जितने नंबर ऑफ मूवमेंट, नंबर ऑफ स्टेप्स हम उसमें ले रहे हैं, नंबर ऑफ मूवमेंट जो उसमें परफॉर्म हो रहा है, लेट्स सपोज उस स्पेसिफिकली उसको काइनेसियोलॉजी में मेडिकल टर्म में गेट कहा जाता है, राइट. सो द गेट इज सिंपली अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग. व्हाट इज द गेट साइकिल? अच्छा, गेट पे चलने का तरीका, एबनॉर्मल लोग, सीपी पेशेंट हो गया, पार्किंसन पेशेंट हो गए, ये भी स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, ये भी चलते हैं, लेकिन इनकी गेट, इनका जो चलने का तरीका होता है उसको हम उसको भी गेट कहते हैं, लेकिन एबनॉर्मल गेट उसके साथ साथ वर्ड यूज होता है, ठीक है. और स्पेशली जो वॉकिंग एड यूज करते हैं उनमें एक और पैटर्न तरीकेकार होता है चलने का, जिनको हम गेट कहते हैं, लेकिन गेट पैटर्न उनमें कहलाते हैं, जिनमें ये हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट एंड 4 पॉइंट गेट, वगैरह. गेट साइकिल. अब साइकिल वर्ड वहां पे यूज होता है जहां पे एक पॉइंट से कोई चीज शुरू हुई और घूम फिर के राउंड लगा के उसी जगह पे आ जाए तो उसे हम गेट साइकिल कहते हैं. मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू हुई बात वहीं पे जब खत्म होती है तो एक गेट साइकिल कहलाती है. लेट सपोज इन केस ऑफ वॉकिंग, जब हम आम वॉक की बात करें तो एक पैर जब हम रखते हैं, चाहे राइट रखें या लेफ्ट रखें, तो जब हमारी हील स्ट्राइक करती है, जब हमारी एड़ी हील जमीन से कॉन्टेक्ट में आती है तो वो हील स्ट्राइक कहलाती है, ठीक है. उसी पैर को, उसी राइट वाले पैर को जो हम पहले राइट साइड हील स्ट्राइक करते हैं, जब वही दोबारा पैर अगेन अनदर हील स्ट्राइक होगी उसी राइट पैर की जब दोबारा होगी तो ये एक पूरी गेट साइकिल कहलाएगी. मतलब जब आप अपना राइट पैर आगे रखते हो तो अपनी हील आपकी जमीन से कांटेक्ट में आती है, और जब यही पैर दोबारा उठा के आप चलने के लिए, जब दोबारा उठा के पूरे फेजेस कंप्लीट करके जब दोबारा पैर रखते हो तो एक गेट साइकिल कहलाएगी. और इसमें टोटल फेजेस कितने हैं? टोटल फेजेस दो हैं, सब फेजेस 8 होते हैं. दो फेजेस कौन से हैं? एक है स्टांस फेज, एक है स्विंग फेज. स्टांस फेज तब तब जब आपका पैर जमीन से कॉन्टेक्ट में है, और स्विंग फेज तब तब जब आपका पैर जमीन से कॉन्टेक्ट में ना हो. मिसाल, जब आपने राइट पैर आगे बढ़ाया, पहले जब आप दोनों खड़े हैं और राइट पैर जैसे ही आपने आगे बढ़ाया तो हील आपकी जैसे ही स्ट्राइक करेगी ग्राउंड के साथ तो वो आपकी गेट साइकिल शुरू हो गई. ये हो गया पहला स्टेज, पहला फेज. जब आपने एड़ी रखी फिर उसके 5 स्टेजेस हैं उसके गेट साइकिल पर. मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ. वो 5 सब स्टेजेस हो जाएंगे तो यही पैर आप उठा के जमीन से उठाएंगे तो ही जाके आगे रख सकेंगे. तो जब आप उठाते हो तो आपका दूसरा फेज शुरू होता है, स्विंग फेज, ठीक है. और उसके भी 3 मराहिल है, और इस तरह स्विंग फेज करके आप दूसरा वही पैर जब आप अगेन रखोगे तो आपकी एक गेट साइकिल कंप्लीट होगी. तो गेट साइकिल बेसिकली स्टार्ट होती है जब आपका स्टांस फेज शुरू होता है और स्विंग फेज खत्म होता है, तो एक गेट साइकिल कहलाती है ये, ठीक है. गेट इट? और तो स्टांस फेज क्या होगा? जब जब आपका पैर जमीन से कॉन्टेक्ट में है, और स्विंग फेज जब जब आपके पैर जमीन से कॉन्टेक्ट में नहीं है, हवा में हो. कैडेंस, नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट. जब आप नंबर ऑफ स्टेप पर मिनट, 1 मिनट में जितने नंबर ऑफ स्टेप आप लेते हो वो एक, वो आपका कैडेंस कहलाता है. जिस तरह बच्चे हैं, बच्चे 1 मिनट में ज्यादा स्टेप भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पे, राइट. स्टेप के ऊपर डिपेंड, एज के ऊपर मैटर तो करता है, वैसे कैडेंस मैटर करती है, लेकिन इन शॉर्ट नंबर ऑफ स्टेप पर मिनट, आप 1 मिनट में जितने भी नंबर ऑफ स्टेप लेते हैं उसको एक, उसको हम कैडेंस कहते हैं, ठीक है. वॉकिंग एड. वॉकिंग एड हर वो चीज जो आपकी वॉक में एडअप करे, सपोर्ट करे, सिंपली. सो द डिवाइसेस विच आर एडअप टू सपोर्ट इन द वॉकिंग. जब आपकी वॉकिंग में कोई भी चीज एड सपोर्ट एडअप करती है उसको हम वॉकिंग एड कह लेते हैं. वो कोई भी चीज हो सकती है, स्टिक हो सकती है, किसी चीज का सहारा हो सकता है, वॉकिंग फ्रेम हो सकता है, रोलर हो सकता है, पैरेलल बार्स हो सकते हैं, जिनको हम वन बाय वन करेंगे. सो वॉकिंग एड्स बेसिकली दीज आर द डिवाइसेस विच आर डिजाइन टू असिस्ट द वॉकिंग एंड इम्प्रूव द मोबिलिटी. अब जाहिर सी बात है वॉक जब आप करोगे तो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी भी बढ़ेगी. बेनिफिट्स क्या क्या? इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट, ऑब्वियसली बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए.
मेंटेन द सीओजी। मिसाल के तौर पर एक पार्किंसन पेशेंट है जो आगे की तरफ झुका है, लेट सपोज, ठीक है, तो उसका सीओजी ऑलरेडी आगे है। अब अगर वो मजीद ग्रेविटी उसको पुल करेगी या वो चलने में तो उसको दुश्वारी होगी, तो ही या शी व्हाट हैज टू डू, इसमें क्या करना है कि एक वॉकिंग फ्रेम या स्टिक यूज कर लेनी है ताकि उनका सीओजी मेंटेन रहे, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूट द वेट बेयरिंग एरिया, वेट बेयरिंग एरिया को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मिसाल एक बंदा है जिसने जिसके एम्पिट्यूट लेग है, उसने कोई स्टिक वगैरह यूज किया, एंड सॉरी फॉर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का जो वर्डिंग है वो ऊपर नीचे है लेकिन मैं तभी इसको वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूट द वेट एरिया से मुराद कि एक बंदा है जिसके एम्पिट्यूट लेग है मिसाल के तौर पर, या उसको पाँव में चोट लगी है, ये फ्रैक्चर हुआ है, डिसलोकेशन हुई है मिसाल के तौर पे कुछ भी पैर में, तो अब वो उस पैर को तो जाहिर सी बात इक्वली वेट सपोर्ट नहीं सकता। यहाँ पे क्या करेगा, वो एक अपने साथ कोई वॉकिंग एड यूज कर सकता है, क्रच यूज करता है, स्टिक यूज करता है, कैन करता है, वॉट एवर यूज, बट वो क्या करेगा, वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब उसके ऊपर जो नॉर्मल जो उसके अफेक्टेड लेग है उसके ऊपर इतना जोर नहीं दे सकता, वो थोड़ा सा वेट उसके ऊपर देगा, डेफिनेटली स्टिक के ऊपर दूंगा वरना इनको पेन होगा। बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोप्रियोसेप्शन को और मोबिलिटी को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम वॉकिंग एड के, ये इसके बेनिफिट्स हैं। टैप्स कौन कौन सी हैं, क्रचेस होती हैं, स्टिक्स होती हैं, इनके ऊपर सब के ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ट्राइपोड क्वाड, इनमें मैं सिर्फ आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये आपके पास स्टिक्स और कैन है, स्टिक और कैन में छोटा सा डिफरेंट होता है, स्टिक में जो है वो एक सी शेप उधर हैंडल होता है, नॉर्मली कैन में वो कैन बिना इसके भी हो सकती है, और एज यू कैन सी इन द पिक्चर बेसिकली, राइट। स्टिक और कैन मोस्ट कॉमन वॉकिंग एड स्टिक्स ही है, जो कि अभी मैंने देखा है, वुड की भी बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है, 20-25% ये सपोर्ट देती है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी 20-25 सपोर्ट करते हैं। हैंड हमेशा ये अपोजिट हैंड में हेल्ड की जाती है, मतलब जो अफेक्टेड लेग है राइट लेग है तो लेफ्ट साइड पे इन्वॉल्व, अफेक्टेड राइट साइड है लेफ्ट हाथ पे पकड़ा दी जाएगी, लेफ्ट अफेक्टेड है तो राइट हाथ पे पकड़ा दी जाएगी। हेल्पफुल कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे मसल वीकनेस है रिलीव करता है उनको, और पेन एल्बो पेन को रिलीव करेगा, और एल्बो की फ्लेक्शन अमूमन स्टिक यूज करने के, स्टिक करने के लिए कम से कम 30 डिग्री फ्लेक्शन होती है तभी एक नॉर्मल स्टिक, और इसकी मेजरमेंट के लिए भी इस 30 डिग्री फ्लेक्शन के हिसाब से ही हाइट वो मेजरमेंट की जाती है। क्रचेस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सबसे पहले राइट साइड पे एक्सिलरी क्रच है जो आमतौर पर ज्यादातर यूज होता है, फिर उसके बाद गटर क्रचेज है, और उसमें फिर डिफरेंट वराइटीज है। क्रचेस मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है बैलेंस इंप्रूव करने के लिए, रिलीव वेट बेयरिंग डिपेंड करता है फुली या पार्शली, टिपिकली यूज बायलेटरल, ज्यादातर ये दोनों तरफ यूज हो जाता है, बेसा सपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या लेटरल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना, अगर एक तरफ से पेल्विस शिफ्ट है मिसाल के तौर पर तो वन साइडेड भी यूज हो सकता है, उसी साइड यूज होगा, लेकिन अलाउ करता है वेट ट्रांसफर फ्रॉम अपर एक्सट्रीमिटी टू फ्लोर, ऑब्वियस बात है अगर दोनों तरफ से आप यूज कर रहे हो तो आपके अपर एक्सट्रीमिटी में इतनी जान होगी कि दोनों हमारे एक्सिला में लगते हैं, राइट, तो इसकी हाइट और इसका ख्याल भी रखना होता है, वरना एक्सिलरी नर्व को डैमेज भी, एक्सिलरी स्ट्रक्चर को डैमेज भी कर सकता है। तो जैसे ही आप दोनों क्रचेस आगे की तरफ रखते हो फिर पूरा उसके ऊपर वजन देकर दोनों टांगे अपनी या एक टांग आगे की तरफ ले जाते हो। टाइप्स कितने हैं, एक्सिलरी और फोरआर्म टाइप्स। एडवांटेजेस क्या है, बैलेंस करता है, इम्प्रूव करता है बैलेंस को और लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, प्रोवाइड करता है फंक्शनल एम्बुलेशन, आप किसी भी एम्बुलेट करते हो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में आपको हेल्प करता है, एडजस्टेबल भी है, इतने कॉस्टली भी नहीं है, इन एक्सपेंसिव भी नहीं, एंड कैन बी यूज ऑन स्टेयर, सीढ़ियों चढ़ने और उतरने के लिए भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं अगर वहां पे नहीं गए तो। डिसएडवांटेज ये है कि स्मॉल एरियाज के लिए ऑकवर्ड है, क्योंकि दो बायलेटरी आप यूज करते हो तो बहुत ही लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, इट मे लिमिट द अपर बॉडी फ्रीडम, अपर बॉडी फ्रीडम से मुराद की आपकी जो शोल्डर की मूवमेंट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये, क्योंकि आपने सारा इसको एक्सिला में लगाया तो सारा वेट उस पर, तो ओवरहेड एक्टिविटीज बहुत ही कम हो जाती है। एक्सिलरी क्रचेस रिक्वायर द गुड स्टैंडिंग बैलेंस, ऑब्वियसली बात है ना कि सिर्फ गुड स्टैंडिंग बैलेंस बट आपका अपर एक्सट्रीमिटी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दरकार होती है, यहाँ पे फिदर भी का रोल भी आता है, तभी उसके हिसाब से चूज किया जाता है। मैं डैमेज टू वेस्कुलर स्टे एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर सकता है अगर इम्प्रॉपर यूज हुआ तो। उसके बाद ट्राइपोड है, ट्राइपोड एज यू कैन सी ट्राइपोड और क्वाड्रोपोड में फर्क सिर्फ ये है कि ये इनकी वराइटीज होती है, लेकिन नीचे जो पैर होते हैं वो तीन होते तो ट्राई, चार होंगे तो क्वाड्रोपोड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ट्राइपॉड अल्मोनियम और अलॉय या स्टील के बने होते हैं, रबर ट्रिप जिनके जो लैग्स होते हैं वो होने चाहिए, और वो सब इक्वी लेटरल ट्रायंगल से मुराद इन तीनों टांगों के दरमियान एंगल इक्वल होती है। ये जो ट्राइपॉड था उनकी तीन पैर थे, उनमें रबर लगे हुए थे, और तीनों जो पैर हैं बेसिकली आर्म्स इनको कह लो या लेग्स कह लो, इन सबकी एंगल इक्वल होनी चाहिए इनके लिए, इसीलिए इनको इक्वी लेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। मोस्ट
मोर स्टेबल है और एल्बो फ्लेक्शन इस पर भी 30 डिग्री होती है। हैंड ग्रिप भी समटाइम लगा होता है सेम प्लेन में एज लाइन ज्वाइनिंग द टू लेग्स नियरेस्ट एंड पैरेलल टू अ फुट। क्वाड्रापोड, वहां पे क्वाड्रा मतलब चार, ट्राई मतलब तीन, तो क्वाड्रापोड 3 लेग्स वाला जो क्रेच है उसको क्वाड्रापोड ट्राइपोड कहा जाता है, चार वाला जो होगा उसको क्वाड्रापोड कहा जाएगा। ठीक है। हैविंग फोर ट्रिप्स रबर लेग, तीनों के नीचे से रबर भी लगा होता है, मोर स्टेबल है, एडजस्टेबल भी है एंड प्रोवाइड द वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। डिसएडवांटेज ये है प्रेशर एग्जर्शन एंड नॉन द सेंटर इज नॉट स्पेसिफिक एंड नॉट सुटेबल ड्यूरिंग द स्टेयर अप। इनका जो प्रेशर है, अब जितनी टांगे होंगी डिस्ट्रीब्यूट फोर्स उतना होता जाएगा। तो अगर हम प्रेशर एग्जर्शन की बात करें, तो अगर थोड़ा सा भी एक प्रेशर ठीक से एडजस्ट ना हुआ, इक्वल चारों की तरफ ना गया, तो इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए सीढ़ियां उतरते वक्त ज्यादातर लोग स्टिक और उसका सहारा लेते हैं क्वाड्रोपोड। एक तो एरिया भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी सूटेबल नहीं कंसिडर किया जाता। फ्रेम, फ्रेम मतलब जो आपको पूरा सराउंड कर देता है उसको फ्रेम कहते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फ्रेम जो है पूरा सराउंड करता है। ये लोग स्ट्रोक के पेशेंट भी यूज करते हैं, जिनमें बाल है, बरल वो अप टू द नीड के हिसाब से होता है। इसमें रोलर भी होते हैं, एज यू कैन सी इसके नीचे टायर लगे होते हैं और कुछ बिना टायर के होते हैं। फ्रेम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि आप बेसिकली इंटीरियर स्टेबिलिटी दे रहे हैं आगे गिरने से, और साइड में गिरने से लेटरल स्टेबिलिटी भी देता है। बैलेंस को इम्प्रूव करता है, रिलीव करता है वेट बेयरिंग को, इट प्रोवाइड वाइड सबसे ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट देने वाला वॉकिंग एड है। अलाउ द वेट ट्रांसफर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी आल्सो, टिपिकली मेड अप ऑफ अल्मोनियम एंड ट्राइब्स इतने कितने स्टैंडर्ड रेसिप्रोकल एंड रोलेटर। एडवांटेजेस, इट अलाउ यूनिलेटरल फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, ये सिर्फ आगे की तरफ साइड वाइज आप नहीं चल सकते, बट यूजफुल फॉर द पेशेंट इनकेपेबल ऑफ लिफ्टिंग वॉकर टू मूव फॉरवर्ड। वो अदरा जो वॉकर को उठाकर नहीं लेके जा सकते, तो वो रोलर फ्रेम उनके लिए बेस्ट है। रिलेटिवली लाइट वेट एंड एडजस्टेबल होते हैं, हाइट एडजस्टेबल भी होते हैं, बंद करके आप यूज कर सकते हो, लाइट वेट भी होते हैं, मोर स्टेबल देन अदर्स एंड कीप बॉडी बैलेंस। डिसएडवांटेज, लेस इनहेरेंट स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, ऑकवर्ड एंड कन्फाइंड एरिया में बहुत ही ऑकवर्ड होता है एंड एलिमिनेट द आर्म स्विंग, आपके बाजू की जो मूवमेंट है आर्म स्विंग से बेसिकली उनको भी एलिमिनेट करता है, नॉट सुटेबल ऑन द सीढ़ियों के लिए। तो बहुत ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट है, सीढ़ियों के लिए इतना सुटेबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच, दिस वॉज अनदर इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉकिंग एड। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बनी हुई है। अगर प्रीवियस टॉपिक्स में से भी कोई टॉपिक समझ में ना आए, ये हमारी कैंसरोलॉजी की सीरीज है बेसिकली। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।